आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाग भाग का संसद के बारे में पढ़ेंगे आज हम। जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर विधि निर्माण करने वाली जो संस्था है उसको हम कहते हैं संसद। सरकार के नाम होते हैं सभी को पता है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक विधि निर्माण करने वाली, विधियों को लागू करने वाली संस्था और विधियों की रक्षा करने वाली। तो व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका को हम किस नाम से जानते हैं? अब ये जो संसद है भारत की, जिसे विधि निर्माण करने वाली जो संस्था है, संसद कहा जाता है, उसको अलग अलग देशों में आप अलग अलग नामों से देखते हो। जैसे अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में संसद को कहा जाता है बुंडेस्टाग, ठीक है, बुंडेस्टाग। अगर अपन जापान की बात करें बुंडेस्टाग है ना, अगर जापान की बात करें तो जापान में कहा जाता है जाय, ठीक है, जाय। अमेरिका में कहा जाता है कांग्रेस, अमेरिका में कहा जाता है कांग्रेस। अगर ईरान की बात करें तो ईरान को उसमें कहा जाता है मजलिस, ईरान में कहा जाता है मजलिस। ब्रिटेन में कहा जाता है पार्लियामेंट। तो ये जो सभी अंग हैं, सबसे पहले विधि निर्माण करने वाले हैं अलग अलग राष्ट्रों में, संसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब हम बात करें कि संसद की व्यवस्था की जननी कौन है, तो संसदीय शासन व्यवस्था की जननी ब्रिटेन के जो संसद है उसको माना जाता है। ब्रिटेन के संसद विश्व में संसदीय शासन व्यवस्था की जननी मानी जाती है। अब भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, हमने भी ये कहीं ब्रिटेन के लिए स्वीकार की है, दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये कोई बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। भारत में अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो आपको इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें संसद से एक सत्ता के होने की बात चली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79, ठीक है, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी, भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। इस प्रकार संसद के अंदर क्या होगा, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, उनसे मिलकर के इसका गठन होगा। इसकी बात कही गई है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो ऋग्वेद में हमें सभा व समिति, सभा व समिति नाम की संस्था के उदाहरण मिलते हैं। तो वह भी जैसे सभा क्या हुआ करती थी, आम लोगों की एक, आम लोगों का एक समूह हुआ करता था, क्योंकि जिसका हम, जिसकी तुलना हम वर्तमान में लोकसभा से कर सकते हैं, साधारण लोगों का समूह होता था। एक होती थी समिति, समिति विशिष्ट वर्ग के लोगों का समूह होता था, तो उसकी तुलना हम वर्तमान में राज्यसभा से कर सकते हैं। तो ये जो संसद है यही बात नहीं है, ये तो प्राचीन काल से ही हमारे भारत में विद्यमान रही है। ओके, अब हम बात करते हैं पृष्ठभूमि की कि संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत भारत में कैसे हुई। अगर हम अंग्रेजी शासन काल के 1833 से लेकर के 1935 तक की बात करें तो धीरे धीरे भारत में कहीं ना कहीं कई प्रकार के संवैधानिक सुधार, संसदीय सुधार हमें देखने को मिलते हैं। 1892 के जो चार्टर है, 1892 का जो अधिनियम है, उसमें जब आप देखोगे कि उसमें क्या क्या गया था, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें अधिकतम सदस्य संख्या थी 16, उसके अंदर 4 सदस्यों की जो नियुक्ति थी वह प्रत्यक्ष रूप से की जाने लगी थी। तो ये कहीं ना कहीं ये चुनाव की शुरुआत हो गई थी। अब बात करें आगे जाकर 1909 में जब सुधार किया गया था, अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर के 16 से 60 कर दी गई। इसी प्रकार 1935, 1919 के जो ऐसे अधिनियम आते गए, 1919 का अधिनियम आप मूल्य खुलासा पक्ष के होंगे, उसके अंदर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था के, द्विसदनीय जो कार्यकारिणी घोषणा केंद्र व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी, उसमें राज्य परिषद और राज्य विधानसभा जैसे दो बनाए गए थे, दो अंग बनाए गए थे, दो सदन बनाए गए थे। 1935 के अधिनियम में भी दो उसी सदनों को बनाए रखा, बना रखा केंद्र सरकार के अंदर। तो यह कहना कि लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत हो गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को कभी एक गति प्रदान की। भले ही आप ये देखोगे कि उस समय जो चुनाव प्रणाली थी, चुनाव प्रणाली बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक भावनाओं से ग्रसित थी, या फिर आप वहाँ पर देखोगे वोट डालने जैसे आपको उसकी दिखाई देगी, जैसे हिंदुओं के लिए अलग चुनाव व्यवस्था, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली, या फिर किसी को अधिक पद देना, किसी को ऊंचा पद देना, किसी को कम पद देना। लेकिन वर्तमान में इन सभी विषमताओं को, इन सभी असमानताओं को दूर करके भारत में एक स्पष्ट लोकतांत्रिक रूप से संसदीय शासन व्यवस्था को अपना दिया गया है। उसमें बदलाव कर दिए गए हैं और
ये तो अपने पुराने प्रश्न होने की बात है। अब हम बात करते हैं कि संसद का सदस्य होने की। संसद का अगर आप चाहते हो कि आप संसद का सदस्य बनो तो आपके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। सबसे पहले योग्यता होनी जरूरी है कि भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक आपको